रोड पे ही हो सर, तो नहीं यार उधर जाना पड़ेगा। इधर छपी है ना, बोल 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 बताओ। हमारे अली भाई बोल कर आते हुए, अभी ये थोड़ा सा हल्के हाथ से इन्होंने बॉल को पुश किया है सिर्फ। कैंटीन के हमारे स्टार, पाकिस्तान के स्टार बॉलर, कैंटीन हमारे कैंटीन के स्टाफ हैं ये, और बहुत ज़बरदस्त इनकी बॉलिंग है। इनकी बॉलिंग में पेस बिल्कुल शाहीन अफरीदी जैसा दिखाई देता है ये, और ये देखो शाहीन अफरीदी जैसा इनका कमाल भी है। अपने पहले ओवर में पहले विकेट चटकाने में ज़्यादा जाने जाते हैं। अरे मैं ही जा रहा हूँ फिर को। नहीं, अली भाई ने अपनी पहली ओवर की पहली गेंद में पहली विकेट ली और ये दूसरी बॉल पे, और इन्होंने बेहतरीन जो फॉर्म में चल रहे थे उनकी विकेट लेने में इनको कामयाबी हासिल हुई है। अब यहाँ से रनों की गति को जो है एक विराम लगेगा। पिछले ओवर में 22-24 रन आया और ये फिर एक वाइड 25। और अली भाई फिर से अगली बॉल के लिए तैयारी कर रहे हैं अपनी, और ये इनका ज़्यादा लंबा रनिंग नहीं है, थोड़ा सा रनर लेते हैं। और बॉलिंग लेकिन बहुत ज़बरदस्त है इनकी, और ये दो रन, फिर से ये अली भाई। सुनो, पिछले ओवर में 22 रन आए थे, इसमें कुल 5 रन आए हैं। बहुत ही किफ़ायती ओवर, और ये लगा बड़ा छक्का इन्होंने दिया अभी, और लास्ट बॉल पे लगा छक्का है। दो ओवर में 34 रन हुए हैं। ये नया बॉलर आए हैं, तीन ओवर तीनों ने अलग, पहला तीसरे ओवर के लिए नए बॉलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इन्होंने इनकी भी रनिंग जो है और काफ़ी बेहतरीन बॉल है, बिल्कुल इनकी बिल्कुल बेहतरीन यॉर्कर मार रहे हैं। और ये फिर से इनका छोटा रन है, लेकिन हाँ ये अशोक भाई का बड़ा लंबा छक्का, ये अशोक भाई ने छक्के से अपना खाता खोला है। और ये फिर से अशोक भाई ने बहुत तेज बल्ला घुमाया है, लेकिन रन का कोई चांस नहीं है, कोई मौका नहीं मिला रन चुराने का। और ये बेहतरीन, ये भी छक्का, 46 हो गया, चार बॉल, बॉलिंग भाई बॉलिंग बोले, चार बॉलों में 46। और ये फिर से घुमाया इन्होंने, और ये बल्ले और बैट के बीच में, बॉल और बैट के बीच में कोई संपर्क नहीं। और हाँ फिर हल्के कदमों से दौड़े, और इन्होंने फिर, अशोक भाई ने बहुत तेज बल्ला घुमाया है, इस बार शायद 4 रन मिलने के चांस है, लेकिन नहीं, एक सिंगल से संतुष्टि।
तीन ओवर में 48 रन हुए हैं। फिर से अली भाई आए हैं बॉलिंग के लिए। अली भाई फिर से बॉलिंग कराने के लिए, और ये अशोक भाई ने घुमाया है, लेकिन वो एक और डॉट बॉल। अली भाई की गेंद जो है, जितनी इनकी बॉलिंग की तारीफ की जाए इतनी कम है। और ये वाइड, और एक रन और अतिरिक्त रन 49। साइड चेंज कर रहे हैं अली भाई। अब तो अशोक भाई ने घुमाया है, लेकिन ये बॉल ज्यादा दूर नहीं, पीछे फील्डर है। दो दो और एक रन 50। बहुत तेज खेल रहे हैं हमारे अशोक भाई हैं। ये इंडियन टीम की रीढ़ है जब तक मैदान में रहेंगे। और ये बेहतरीन, बहुत ज्यादा लंबा उठ गया है, और नीचे तीन तीन फील्डर है, लेकिन तीनों में से किसी के हाथ में नहीं बॉल आया। और दो रन यार। ये भी बेहतरीन बॉल है। ऑफ स्टंप से लेग की तरफ इनकी बॉल जो है कटती है, और कभी लेग से ऑफ की तरफ कटाते हैं। कुल चार रन आए इस ओवर में, 9 बॉल। पाँव बिल्कुल बाहर जा रहा है अली भाई का। मैं देखा मैंने। अब आए हैं ये हमारे सोनू भाई आए हैं बॉलिंग कराने के लिए। ये जो है बॉल कराते हैं झटके से, और ये बेहतरीन मारा है, एक चार रन। हल्के हाथों से सोनू भाई बॉल करा रहे हैं, और ये फिर से इन्होंने मारा है, एक और चौका मिलेगा, एक और चौका। कप्तान और वाइस कप्तान में दोनों में बेहतरीन बॉल है अब की बार। हाँ चार हो गया, चार। और ये वाइड, ठीक है शाबाश। हाय हाय हाय, हाँ। और ये सोनू भाई फिर से तैयार अपनी बॉल लेके। अशोक भाई लगते हैं दो ओवर से बस एक ही साइड खड़े रह गए हैं, और ये एक चौका, और नहीं चौका नहीं, सिंगल। बहुत बेहतरीन फील्डिंग।
पांच और एक वाइड। और एक सिंगल और हो सकता है। अली ओवर नहीं हो गया, आ जा। 11 रन आए, 64 लगता है। और वाइड है तुमको उधर से कहां भाई, मैं देख रहा हूं, मैं तो बोल वही देख रहा हूं मैं। अगर तू बोले बट्टे के ऊपर से तो वो भी देख ले, तब भी वाइड है। बट्टे के ऊपर पहले बोल दे वाइड है, फिर भी वाइड है। चलो और ये भरत भाई अशोक भाई के लिए और बेहतरीन गेंद। और एक सिंगल, नहीं कोई सिंगल नहीं, या रन का मौका नहीं। बेहतरीन इधर आके दो ओवरों में जो है रन पे बहुत ज़्यादा किफ़ायती बॉलिंग की गई है, रन रोका गया है। और ये लगातार इन्होंने तीन बॉल डॉट करा दिया है। बेहतरीन खेला हो रहा है। अब जो है ये लास्ट ओवर है तो अगले और शायद हम लोग को बैटिंग का मौका ही नहीं आएगा, तो इसलिए दूसरी इनिंग में हम लोग कुछ, क्योंकि बॉल ही चार बॉल 66 ओ बॉल है, बॉल है भाई, हो गया होगा पांच, एक बॉल बहुत बेहतर, एक बार रह गया बस। और ये छक्का, बेहतरीन छक्का आखिरी ओवर, आखिरी बॉल पे 73 पे है। अब अगले ओवर में, अगली इनिंग में हम लोग को फील्डिंग करना है, इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा। अब ये सोनू की टीम को 67 बनाना है, तो अब देखेंगे आगे क्या होगा। बेहतरीन माफ़ी मालूम, माफ़ी मालूम।